बिजनौर के कस्बा नहटौर से नगर पालिका अध्यक्ष चेयरपर्सन पर लगा फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। पूर्व चेयरपर्सन राजा अंसारी ने 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। नगर में चेयरपर्सन का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने की बात नगर में आग की तरह फैली। नगर में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के कस्बा नहटौर में नगर पालिका अध्यक्ष चेयरपर्सन पर लगा फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। शिकायतकर्ता पूर्व चेयरपर्सन राजा अंसारी ने दिल्ली के एसडीएम कोर्ट में किया था मामला। नगर में आग की तरह फैला हुआ है, तो वहीं पूर्व चेयरपर्सन राजा अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है और एसडीएम ने चेयरपर्सन का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है और चुनाव के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जिससे नहटौर नगर पालिका अध्यक्ष की आयु भी कम की बात कही है। फिलहाल नगर में चेयरपर्सन का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने की बात आग की तरह फैली हुई है और लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के तहत एसडीएम साकेत साहब ने इस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई बिजनौर डीएम साहब के यहाँ से होगी और मेरे ख्याल में जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी तो फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें उनके पति हैं जैद मोहम्मद जैद और एक जिनके नाम पे उनके चाचा को बनाया गया था, वो भी फर्जी थे, वो मिरासी बिरादरी से थे, दानिश नाम है उनका, उनके खिलाफ और एक चेयरपर्सन अनस करार के खिलाफ। इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात भी हैं जिनके नामजद रिपोर्ट लिखी जाएगी।